अगर सियासत ना होना ना तो मैं आखी तो बेहतरीन पाकिस्तान का प्लेयर हूँ। मैं थोड़ा जहा सख्त तबीयत आदमी सी, ठीक हो गया। मैं उत्थे अंपायर से हाकी खेलने उस सिरे हाकी कड़ मारी, तीन साल मैंने हाकी जी आउट करता सी। अगर पाँच दफा जीता हूँ तो मैं आप यकीन जाने कि मैं सुबह नमाज जब पढ़ता हूँ ना उसके बाद मुझे किसी ने सोने नहीं दिया। मुझे एक कहते फख्र होता है कि लोग कहते हैं कि भाई इसने अगर रात को एक बजे 11 बजे बैठा हुआ था सामने क्या कर रहा हूँ। अब जो है उम्र को उस हिस्से में हूँ, मुझे सब कहती हैं अपने बेटे को ले आओ। मैंने कहा कि जिंदगी में किसी को अपने को नहीं जाऊँगा, ये मेरा दिल से वादा है। आगे पता नहीं अल्लाह क्या करता है। क्यों जैसे हम मेमोरी करते हैं, मुझे ये कहते हैं कभी कोई झिझक नहीं, कोई नहीं कर सकता। मेरे अगर सियासतदान मैं कोई पसंद करता हूँ तो इंसाफ करता हूँ। आज चो इंसार अगर नून को छोड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा, सियासत खत्म करूँगा। मैं कहता हूँ कि देखो मेरे सामने चो तनवीर कहता दानियाल इस बिलाल को तुम मरियम नवाज से बुलाया करो, नवाशी को बुलाया करो। मैंने कहा इसको बुलाया करो, आप गायब हो जाओ। अब उसका एक ही मिशन है पर रशीद जो ग्रुप है चुनसार का मुखालिफ जी बिल्कुल, ये लगा हुआ उस टीम में कि किसी से चुनसार का सिर्फ चुनसार का जो काम है ना आज तक उसने वफा की। देखो अभी भी पार्टी के साथ उसने कभी पार्टी के साथ बेवफाई नहीं की, हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा की। मैं तो एक बात एक ही कहता हूँ कामयाबी वो है आखिरत ठीक कर जाते। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم। मैं हूं रजब राजा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद अब तक पहुंचाना, वो सफ़र, वो जाविए, वो मंजिलें, वो रास्ते और वो ख्वाब जिस पर चल कर एक इंसान अपनी मंजिल और अपने मुकाम को हासिल करता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रावलपिंडी की जान है वो, रावलपिंडी की आन है वो, एक बड़े सियासतदान बारोब इंसान राजा जंदाद खान साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का, बड़ी मेहरबानी। राजा साहब मुझे यकीन है कि सियासत में आने वाले नौजवानों के लिए जो आपकी बातें होंगी उनके लिए मशले राह होंगी। राजा साहब मैं जानना चाहूँगा और आपके चाहने वाले दुनिया भर में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए और तालीम कहाँ से हासिल की, सियासत में कब और कैसे आना हुआ। मैं टेंज भाटा पैदा हूँ तो मैं तालीम जी है सी बी स्कूल टेक्निकल हाई स्कूल उत्थे हासिल की थी। और मैट्रिक जी है मैं छोटा सी पढ़ना तो मैट्रिक मैं की सदर नैट टू चू, ठीक है 1964। राय साहब अगर आप सियासत में ना होते तो कहाँ पे होते। अगर सियासत ना होना ना तो मैं हाकी का बेहतरीन पाकिस्तान का प्लेयर हूँ। हाकी भी खेली है आपने। मैं खेलिया और मेरे पिंडी जोन स्ट्रिक्ट स दो पिंडी जोन सिलेक्ट हो पाकिस्तान के कैंप गया तो बाद कोई हम तुम कह सको कि भाई मैं थोड़ा जहा सख्त तबीयत आदमी सी, ठीक हो गया। मैं उत्थे अंपायर से हाकी खेलने उस सिरे हाकी कड़ मारी, तीन साल मैं हाकी जी आउट करता सी। उस वक्त एयर मार्शल नूर खान गवर्नर जड़े से वो हाकी के सदर से अच्छा फेडरेशन के, ठीक है। तो फिर उस बाद जरा मैं क्योंकि उस वक्त हाकी टीम हर महकमे की टीम आती सी, हर महकमे की जी टी एस व कोई महकमा नहीं जिससे हाकी टीम नहीं आती सी। उस तरह फिर मैं ई एन सी जी आ रहे बाजू तो अगे उत्थे भी साल नौकरी करता रहा। बस ये है कि हाकी टीम जी, ठीक है। बस उस तो बाद मैं प्लेयर हूँ, फिर मैं अपना घर बार शुरू किया। मैं फिर दुबई चला गया सा, काफ़ी अरसा तकरीबन 27 साल मैं दुबई कारोबार से उतना मेरा रेडीमेड दुकान से मेरी अपनी, ठीक है। तो बाद मेरे ससुर से मेंबर लगातार पांचवा बेले कटवोर बने चौधरी इकबाल साहब, ठीक वो फोत होए तो फिर मैं बुलाया गया। उन्हें कह रहा जंदाद लड़सी लोगों ने क्या, मैं फिर इलेक्शन लड़िया सियासी की गल है तो हम मैं लगातार पांच दफा मैं मेंबर बनया। सर 86 से यानी कि 35 साल से लगातार आप एक कंटोनमेंट में के मेंबर रहे हैं। लगातार ज़बरदस्त। अच्छा आपने कहा कि 86 में आपका आना हुआ और 35 साल से आप सियासत में हैं। सर आपने कैंट के लिए कौन सा ऐसा काम किया है जिस पर आपको फख्र हो। देखिए जी मैं अगर पांच दफा जीता हूँ तो मैं आप यकीन जाने
कि मैं सुबह नमाज पढ़ता हूँ ना, उसके बाद मुझे किसी ने सोने नहीं दिया। सुबह नमाज के बाद बैलियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं इलाके का मेंबर हूँ, मेरे काम ये हैं, डेस्क सेफ्टेक, बस सेफ्टेक, शादी कार्ड पे सैन, फिर गलियाँ नालियाँ, हर किस्म का काम। लेकिन मैंने ऐसा काम किया कि मुझे ये कहते फ़ख्र होता है कि लोग कहते हैं कि भाई इसने अगर रात को 1 बजे गया तो ये बैठा हुआ था सामने। इसलिए मैं खिदमत की और लोग मुझे चिता रहे हैं। अच्छा, आप मुतमिन है कि आपने कैंट की खिदमत की है और आवाम आपके साथ आज भी है? इंशाल्लाह। सर, कुछ और भी लोग हैं आपके साथ, हमारे एरिया के भी हैं, कैंट के मेंबर हैं, वो भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? देखिए जी, मैं तो फ़र्क क्या कहूँ, फ़र्क आप भी बता सकते हैं, लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि जो एक दो जीतता है, दो दो जीतता, फिर जीतता ही नहीं कभी। बिल्कुल ऐसे है। अगर मैं लगातार जीत रहा हूँ, फ़र्क यही है। वो क्यों फ़र्क है वो तो लोग बताएंगे, मैं अपने मुँह क्या कहूँगा उनमें फ़र्क क्या है। मेरे लिए तो ठीक है। आप ये समझते हैं कि लोग मुझे अगर बार बार ला रहे हैं तो ये मेरा एजाज़ है, यही फ़ख्र है। यही फ़ख्र, बहुत ज़बरदस्त बात। सर, मुस्तकबिल में कैंट की बेहतरी के लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए जी, मैं साफ बताऊँ, इस वक्त मेरी उम्र जो है, मैं लगातार 5 दफ़ा जीत चुका हूँ इलेक्शन, बेहतरी के लिए ही होता है। मैंने हमेशा कंट बोर्ड की बेहतरी के लिए और लोगों की बेहतरी का काम किया है। ज़बरदस्त। इसमें कभी ऐसा नहीं किया कि कंट बोर्ड की बेहतरी भी ना हो। ऐसी बात नहीं की, इंशाल्लाह कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। अब जो है उम्र को उस हिस्से में हूँ, मुझे सब कहती हैं अपने बेटे को ले आओ, मैंने कहा ज़िंदगी में किसी को अपने को नहीं लाऊँगा, ये मेरा दिल से वादा है। आगे पता नहीं अल्लाह क्या करता है। क्यों, जैसे हम मेमोरी करते हैं, मुझे ये कहते हैं कभी कोई झिझक नहीं, कोई नहीं कर सकता। जैसे हमने मेमोरी की है कि लोगों का और काम ही कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ ख़त्म किया, लोगों की खिदमत की, ऐसा नहीं कर। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना कोई भी नहीं लाऊंगा, जब आसिया में होता भी मैं ही लड़ूंगा। हाँ जी सर, अपना जानशीन मुंतखब करें ना कोई। जानशीन, देखें मेरी बात सुन, मैंने आपको कहा है ना, जैसे हम मेमोरी करते हैं, मैं ये इतना नहीं कहता, पूरी पिंडी को पता है बाइक गार्ड कोई नहीं कर सकता। बेशक आप, मैं कहता हूँ सुबह बाकी मेम्बर भी हैं, जा कोई बल दे इलाके के, जब मैं जाता हूँ तो सैन कराने के लोग आते हैं ना, वो मैंने कहा अपने मेम्बरों को, कहते हैं बिल्ले देते हैं सोयो, मेरा मतलब है यंग बॉय है ना। बिल्कुल। तो मैं तो यंग भी था, तब भी मैंने जब एक खिदमत की शुरू तो मैंने की है लोगों की, हर वक्त लोगों की गल, रात दिन जो है ना मैंने लोगों की खिदमत की है इंशाल्लाह। सर, हमारे दोस्त हैं आपके सपोर्टर हैं चौधरी इदनान दानी साहब, तो वो आपके बड़े प्यारे से सपोर्टर हैं, तो उन्हें सामने लाएं आप उनके पीछे बैक पे खड़े हो। मैंने क्या कहा आपको, देखो मैंने क्या कहा आपको, जब तक आसिफ पे हूँ मैं हूँ। अच्छा, अपनी सीट किसी को नहीं दे दी? नहीं अब मैं ही हूँ, जब तक मैं चल सकता हूँ, ना हुआ तो फिर मैं बार बार जो कह रहा हूँ अपने, जब ये भी 12 बजे उठता है, देखो ना मैं बात करता हूँ सामने बैठा हुआ, मैं इसलिए कहता हूँ, देखो ना इसके इसको मैं जानता हूँ, बड़ा मेहनती है, रात को 2 बजे सोता है तो कारोबारी आदमी है, सुनो उसके बाद, और बाई गॉड इस जैसा वेलफेयर मेरा, राति दिहाड़ी शादी समाजी, लेकिन मुझे इतना पता है ये काम जो है ना, इसको मैंने चेयरमैन जकात मिल जब बना तो इसको पूछो ना इसका क्या हाल था, हाँ जी कहता कितने फंस गया। असल बात ये नहीं है, हो सकता है जब वक्त है, मैं कहूँ चल रहा तैयारी कर, खुद उठेगा जब पढ़ेगा, ये बात नहीं होती। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि जो आदमी, मैं अपने बच्चों को कहा, मैंने सबको कहा, नहीं मैंने कहा नहीं पुत्र तो आप इस तरह करें, मुझे बताएं सुबह उठ के, मैं जाऊँ मेरे साथ जाएं, मैं फिर नाम भी ना लेना मेरे सामने। इसलिए ये भी मेरा अपना भतीजा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह करे कि जब तक है, जब फंस कर चल रहा हूँ मैं, तो देखूँगा क्या करता हूँ, मैं वही करूँगा जो लोगों के लिए अच्छा होगा। सर, मैं समझता हूँ आप में भी चौधरी इंसान अली खान की तरह अना है कि मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। नहीं, कैसे है? नहीं, एक बताऊँ, ये बात आपने ठीक की है। किस तरह की है? मेरे अगर सियासतदान में कोई पसंद करता तो चौधरी इंसान करता हूँ, इस सब पूरी मुझे नहीं पूरी पीढ़ी को पता है। जैसे क्यों, हम इकट्ठे एक किस्म के साल पहले वो आए थे, लेकिन जो मैंने वो किया आज तक, देखने उन्होंने मुझे 7 साल मैं मार्केट में चेयरमैन रहा हूँ पीढ़ी का, उन्होंने बनाया जी। लेकिन वहाँ पता लग गया जंदाद ठीक है, इनसे कम। इसलिए मैंने आज तक, यकीन करें
देखो 14 साल है, हालांकि तलक मेरे रिश्तेदारी या आना जाना राजमिशाल से ज़्यादा है, लेकिन उस जितना मैं 14 साल पसंद करता हूँ आज तक तारीख में किसी को नहीं पसंद किया। आज 14 साल अगर नून को छोड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सियासत खत्म कर लूँगा, साफ बात है। क्यों एक आदमी है कहा कि अगर निसार नून को छोड़ता है तो आप फौरन छोड़ दूंगा मैं किसको निसार को या नहीं, जैसे निसार छोड़ो मैं निसार क्यों छोड़ूंगा, निसार के साथ हूँ मैं भी छोड़ दूंगा नून अगर निसार छोड़ेगा तो चंदसार। अच्छा चंदसार के साथ हैं आप सर? बिल्कुल हर किस्म का, हर किस्म इंशाल्लाह। सर पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है? देखिए जी मेरे हिसाब से हालांकि मुझे इस पार्टी में नून में बूढ़ा हो गया हूँ, ये मैं नहीं कहता, अगर इब्राहिम मलिक ने मेरे साथ कुछ किया है एक मिसाल के तौर पर अदालत बात कराया है हमें से उसकी मैं बलफन कहता हूँ, जो मैं बात करूँ बिल्कुल सही बात होती, उसने क्यों कराया, उसका एक ही मतलब था कि ये जितने भी आज मेरे पे चले जो निसार की बात करते थे उसको जलन होती थी, मैं जो तनवीर को जो तनवीर ने देखो कुर्बानी की है पार्टी में सब कुछ, चौधरी को बार बार कहता था कि ये किसी का भी नहीं है, ये पसंद ही नहीं करता कि कोई और आए इब्राहिम, बस मेरी चले तो वो मैंने नहीं देता, क्यों इसको टिकट मैंने दिलवाया, इसको मैंने बनाया, तो वो मैं चौधरी को कहता था चौधरी साहब आपकी बड़ी कुर्बानी है, इसको बात ना माने, ये जो बात करता है झूठ करता है, ये कहता क्यों जब मेमरी की टिकट देने की बारी आती थी ना जो निसार साहब को कहता था कि आओ मेरे को उधर करें उधर टिकट दें आप, वो कहता था जो तनवीर के घर जाए वहाँ टिकट इशू करें, मज़ा है जो निसार साहब कहते थे क्यों कि जो तनवीर की कुर्बानी है, लेकिन मैं जो तनवीर को कहता था अभी फ़ोन पे बात होती है मेरी दुबई से, मैं कहता हूँ कि देखो मेरे सामने जो तनवीर कहता दानियाल इस इब्राहिम को तुम मरियम नवाज से बुलाया करो, नवाशी को बुलाया करो, मैंने कहा इसको बुलाया करो आप गायब हो जाओ, ये ऐसा आदमी है देखिए ना, आप ये बताएं मेरे साथ ही अब उसका एक ही मिशन है परवेज रशीद जो ग्रुप है चुनसार का मुखालो जी बिल्कुल ये लगा हुआ उस टीम में कि किसी से चुनसार का सिर, लेकिन मैं ये कहता हूँ चुनसार का जो काम है ना आज तक उसने वफा की, देखो अभी भी पार्टी के साथ उसने कभी पार्टी के साथ बेवफाई नहीं की, हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा की जिसका हमें भी दुख है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं की आज तक, है जी अभी जो करेंगे वो सामने आ जाएगा जिधर चुनसार हम साफ बात है सर, चुनसार तो साफ मरियम को कह रहे हैं मरियम प्लस करे तो वो हमें, मैं कहता हूँ मैं भी कहता हूँ चुनसार कहता ठीक कहता है, अब मैं कहता हूँ देखिए ना मेरी बात सुने सर, अभी अभी पार्टी ही मरियम के हाथ में है तो आप कैसे शक के, मैं एक बात करता हूँ ये जितने मेम्बर हैं ना अब जो इसको ड्वील सदर बनाया गया है इनाम दिया गया मलिक इब्राहिम को सुनो जी ठीक, जितने मेम्बर हैं ना जो इखलास जितने मेम्बर हैं शकील बाई गार्ड इसको कोई पसंद नहीं करता, वो शायद जो निसार के बयानी पे हों लेकिन बोलते नहीं हैं, मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ साहब, मैं उनको कहता हूँ मैंने फेस पे कहा अरे बोलो इसके गले में हाल डाल दिया दिल में तुम्हारे क्या है, क्यों जो निसार सारे पार्टी के लिए वो काम किया है आपको पता है आप तो जानते हैं कि पिंडी में जिसको खड़ा करता था वो जीता था, वो शकील वाल को जिताया था शेखी से ऐसे किसने जिताया था मुझे पता है, क्योंकि जब असेंबली में चुनसार के खिलाफ बात की मैं सामने मैंने प्रश्न की उसको जवाब दिया मुझे पता था, क्योंकि चुनसार पार्टी के लिए बुखलस बहुत ज़्यादा और जिसको भी खड़ा किया उसे जीता वो और साथ होकर लड़ाता था इलेक्शन, इसलिए जो ये जो है ना ये तो अपने मुफाद के लिए जितने भी हैं अपने मुफाद के लिए, लेकिन बोलेंगे सारे देख लेना आप कुछ टाइम गुजरने दें ठीक है, मरियम हमारी कायद की बेटी है इसमें कोई ऐसी इतराम में हम कैसी बात, लेकिन चुनसार के बहनी के साथ हूँ मैं बाकी भी होंगे बोलेंगे लेकिन मैं कहता हूँ बोलो सर जो नौजवान सियासत में आना चाहता है उन्हें क्या पैगाम देंगे, सियासत कैसा शोबा है इसमें आना चाहिए, अगर आए तो उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए जी मैं तो कैंट की हिसाब से बात करता हूँ पहले, देखिए ना सर आपको पूरी दुनिया के नौजवान सुन रहे हैं जो सियासत में आना चाहते हैं, आपका कैंट के लिए पैगाम नहीं होगा आपका पूरी दुनिया के लिए, मैं ये कहता हूँ ना देखिए ना जो सूबाई के कौमी के बनते हैं आपको पता उसको 3-4 लाख रुपया अखराजात मिलते हैं आने सुन बिल्कुल कैंट मेंबर, मैं जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना तो मेरे दिल में था कि मैं कर्दात पास कराऊं कि कैंट के मेंबरों को भी
50,000 तक देना चाहिए। कितना देना चाहिए? एक आम आदमी है, उसका दिल करता है मैं इलेक्शन लड़ूं। ठीक हो गया। तो लोगों के कैसे, हमने तो अपने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया पार्टी खातर, खिदमत की लोगों की। अब तो हम इस नहीं कहते, मैंने ख्याल था कि यहाँ भी होना चाहिए ताकि कोई मेंबर बने उसको ये पता हो कि मैं किसी को चाय की प्याली बुला सकता हूँ। अगर ये नहीं होगा तो टोका कम शुरू हो जाएगा, देखें ना, मारता शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल था, लेकिन शायद किसी का ख्याल नहीं था कि भाई नहीं होना चाहिए। ये जरूर चाहिए, मेरा पैगाम यही देता हूँ, अगर जिसने इलेक्शन लड़ना है, अगर ईमानदारी से लड़ना है, खासकर वो लड़े जिसके पास सब कुछ है। आम आदमी इलेक्शन पाकिस्तान में खासकर, देखिए ना, जो नए इलेक्शन लड़े हैं, चाहे हमारी पार्टी है चाहे पीटीआई की है, मैं अब भी कहता हूँ, अब भी देखें जो बने हैं मैंने एमपीए, उनको पहले नक में नकेल डालें उन्होंने क्या क्या किया है। कल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर कैसे काबू करोगे? चाहे नून है चाहे पीटीआई है चाहे कुछ भी है, नजर होनी चाहिए इसके पास क्या था, अब क्या है। दो सालों में अपनों भी ना छोड़ा, किसी ने छोड़ी, ये बात, ये पैगाम है कि भाई ये जो है काम, इस सियासत माने से पहले सोच ले आदमी कि करप्शन नहीं करनी, बस। सर सियासतदान तो करते ही करप्शन है और उनके असासे डबल ट्रिपल सौ गुना हजार गुना बढ़ जाते हैं, तो आप नौजवानों को जो गरीब बंदे उसे कह रहे हैं कि बिल्कुल सियासत में आए ही ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जबकि सियासतदानों ने तो बहुत ज़्यादा कमाया भी है। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सियासतदान आए जो सुबाई की लड़ती है ना, उसमें ये 2-3 लाख रुपये मिलता है खर्चा, ठीक है आए। अगर गरीब आता है, अच्छा वेलफेयर आए आए, मैं कैट की बात कर रहा हूँ, कैट का वो हाल है, इतनी बड़ी आबादी है, मेंबर एक होता है, सुबह शाम दुनिया आती जाती है, आदमी वो है जिसका जो पिछू खाने पीने तकड़ा हुआ है वो इलेक्शन लड़े, जिस फर्क होना इसका पिछू बिल्कुल ही वो करे, इसलिए ऐसी बात नहीं क्यों ना आए इलेक्शन में। लेकिन उनका इतना होना चाहिए, उनका हाथ होना चाहिए सिर पर, कि जैसे एम एन ए पी ब्रह्मों के मालक हैं, ब्रह्मों के मालक हैं, तो उनको 2-3 लाख रुपये मिलता, क्या मेम्बरों का इनका आखिरी मिलता करना पड़ो। मैं इसलिए आप बात पहले कभी नहीं की, मैं 5 बार जीत चुका हूँ, आप एक आध इलेक्शन लड़ूंगा जो भी आए उम्र के हिसाब से, तो मैं कहता हूँ बाकी जो आए कोई भी आए दरमियाने तबके का आदमी आए, ताकि उसका खर्चा भी चलता रहे, वो काम भी अच्छा करे, दिल से करे, ये मैंने कहा। सोच आपकी अच्छी है, लेकिन नौजवानों को आप आगे लाना नहीं चाहते खुद? मैं देखो मेरी बात सुन, मैं ये चाहता हूँ इस सियासत में खासकर, मैं अपने बेटों को कह रहा हूँ मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं बात करता हूँ, कहते ना जानसी, मैं इसी नहीं ला रहा कि मुझे पता है जिसने करप्शन करनी है आए, जवान आए जो मर्जी करी है, लुटमार करनी है आए, जिसने सही ईमानदारी से करनी है, मैं कहता हूँ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, अभी मैं कहता हूँ जिसने ईमानदारी से मेमरी करनी है वो नहीं कर सकेगा, मैं लिख के देता हूँ। इसलिए मैं आए, लेकिन मैं ये गवर्नमेंट से भी कहता हूँ खर्चा जरूर होना चाहिए, ताकि जो आदमी आए दरमियाने तबके का वो काम भी चलाए अपना, बस इसलिए मैं कहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, इसकी हिमायत करते हैं हम भी, कि कंटोनमेंट में राय साहब का कहना है कि जो भी मेंबर आए, मेंबर बने, तो कंटोनमेंट को उसके तनख्वाह भी देनी चाहिए। अगर वो दरमियाने तबके का है, उसके अखराजात नहीं चल सकते, तो जाहिर है वो करप्शन करेगा। अगर मेंबर कंटोनमेंट उसे कुछ फंड देती है, तो वो अपना निज़ाम भी चला लेगा और उसका जो स्वेतपोशी का भरम है वो भी रह जाएगा। बड़ी अच्छी बात राय साहब आपकी। सर राय साहब, आपने सूबाई असम्बली में जीप का इंतखाब किया, ये क्यों? ये इंसान अली खान से मोहब्बत है या फिर नहीं? सुन ले मेरी, मोहब्बत तो बहुत है, ये पूरी पीढ़ी को पता है, मुझे नहीं पता, चुन साहब से पूछे वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। सुन ले, जीप का इंतखाब इसलिए किया मैंने, ये और बताऊँ, मोहब्बत का फिर पता लगता है ना, खुदा की कसम मैंने कुरे पे दी जीप। अच्छा, सुन ले, मुझे कुरे पे मिली है, क्यों मोहब्बत करता था कि मुझे जीप मिले। कई लोगों ने इसमें दखल डाला कि नहीं जी नहीं, हम भी लेंगे, फिर जज ने पर्ची निकाली, मेरा नाम निकली, क्यों मोहब्बत मैं करता था। समझियो इस जीप का जो, अच्छा सुन एक और बात भी है, मैंने जीप ली, ये पता है इनको, मैंने इश्तहार बांटे कि मुझे वोट नहीं चाहिए, अपराध के खिलाफ चाहिए। मैं क्यों कि मैं इसके खिलाफ था, मैंने MLA का इलेक्शन लड़ा, कि भाई मैंने रसीदों बांटी है पर्चियाँ कि मुझे वोट भी चाहिए, अपराध के खिलाफ चाहिए, क्यों? उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, और ज्यादती मेरे साथ की पार्टी के साथ की है, और अब भी कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, अब भी कर रहे हैं, मुखलस नहीं एक पार्टी के साथ हुआ। सर निसार का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे? देखिए जी, मैं एक और बात करता हूँ, आपने आप इस काम में आए हैं, आपको पता है जितने भी पुराने एंकर हैं,
सुनते रहते हैं टीवी, वो क्या कहते हैं, एक आदमी है, किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, आज तक इतनी सी सियासतदान की मामूली होती है और छोड़ते नहीं लोग, समझिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर पहले साफ बात है हमारी पार्टी ठीक है, मैं ये कहता हूँ ना, बदबख्ती हमारी, बोले लोग ताकि हमारी पार्टी को पता लगे यार ठीक कहते हैं ये, जो निसार साहब ने कहा था यही कहा था ना कि आप इस तरफ से जाएं इधर जाएं, और कोई बात नहीं की, लेकिन जो साथ जो चाहते नहीं थे निसार आए, चाहे पीपल पार्टी के भी काफ़ी थे जो नहीं चाहते थे निसार पार्टी निकले, जो भी चाहते थे पार्टी के लिए इन्होंने मस्ती की। लेकिन मैं बता दूं, अगर जो निसार खामोश है कुछ है, वो कुछ देखा और ठीक होगा, और मेरा दिल कहता है, और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं खुदा का दो महीने मिला ही नहीं अभी तक। अच्छा, ये नहीं क्या होता है, मेरे साथ बहुत साफ बात है, मेरे मैं उस जो साहब को बहुत ही चाहता हूँ, मैं ऐसे कह लूँ कि पिंडी पूरी पता है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह साफ सुथरा आदमी, इंशाल्लाह मुझे मेरे अपने मेरे मैं अपने आवाम को कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि आप लोग मुझे पता है कि मैं 10 रुपये की इंशाल्लाह मेरे कर्ज को नहीं लगा सकता, समझो। इसलिए जो निसार साहब आएंगे और सही आएंगे, पार्टी में ही आएंगे शायद, मे भी, और ऐसे आएंगे। मरियम का तजुर्बा देखो, मेरी बात सुने, मरियम साहब हमारे कार्य की लीडर है ठीक है, ये जितना भी सिस्टम है निसार मियाँ साहब के पीछे हो रहा है ना, दुनिया भर आ रही है, जो भी आ रहा है, अगर मैं जैसे भी मेरा ससुर फौत हो गया था, उनका ये लड़ेगा दुनिया मेरे साथ, अब भी मैं 5 बार जीता हूँ, दुनिया भर आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं इसलिए कहता हूँ मेरे जो बच्चे हैं या मेरे रिश्तेदार हैं वो 12 बजे सोए उठते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, मुंह पे बैठा हुआ इसको कहा मैंने कि दानी नहीं उठो टाइम पे। एक और दूसरा तर्जमान है पता है, वो भी मैंने अली असगर, मैं तर्जमान भी है जो अली असगर, उसको मैं कहता हूँ उठो टाइम पे उठो, ये ना कहना पापा मैंने जिता दे जिता दे, पहले तो देसा में साहब मैंने पता इन शाला, लेकिन कुछ लाशों की जिम्मेदारी जिम्मेदारी होगी ठीक है, इसलिए कहता हूँ। जो इंसानी खान साहब का नाम चल रहा है वजीर आला के लिए, जी जी, क्या वो पीटीआई में आएंगे वजीर आला के लिए? आज सुन लें मेरी, आज मैं से सुन लें बात ये, और ये बात ऐसी है मैं अल्फन कहता हूँ, ये बात है जो निसार साहब को एक दोस्त ने फ़ोन किया, ये समझ लो जो निसार साहब कह रहे हैं ठीक हो, फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी। जो निसार साहब ने कहा कि भाई बताओ मुझे क्या बात है, जब 2-3 बार कहा था जो निसार साहब का नहीं मिल सकते जब तक मुझे बताओगे नहीं, दोस्त कोई आर्मी का था या सिविल था? ये मैं बाद में बताऊंगा, नहीं बात कर रहा हूँ जो भी आप सुन लेना। जब उसने कहा जी आप बताएं, उसने कहा चो निसार साहब ने कहा कि पीटीआई वाले बना रहे हैं, उसने कहा उससे कहा फिर ना आना, अल्फन कहता हूँ मैं फिर ना आना, ये ऐसी ही है। अगर वो बनते वजी अला उनको तो कितनी बार चांस मिले, कितनी बार आपको पता है सारी बात है कितनी बार मिले उनको, उन्होंने पार्टी से कभी नहीं ऐसा किया मियाँ साहब से, देखे ना चो निसार साहब या मैं हम गीत गाते रहे हैं, हो गए हम साजिशी लोग पड़े हैं बीच में, उन्होंने मस्ती की है, मियाँ चुन साहब साहब बैठ जाओ स्टेज पे पीटीआई के उजाला बन के, मैं और आप क्या कहेंगे ये बताए ना, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसी बात नहीं करनी ना करेंगे, मेरा दिल कहता है जी करेंगे अच्छा काम जो पार्टी के लिए होगा, उम्मीद है, मैं भी मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ इंशाल्लाह। सब आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? किस किस्म की कामयाबी दुनिया में आखिरत में आपकी नज़र में कामयाबी है क्या चीज़? एक मैं तो कामयाब इंसान कौन? मैं तो एक कहता हूँ साफ बात है, आप तो आपके सब बड़ों ने बताया होगा मेरे पता लग जाओ है, मैं तो एक बात एक ही कहता हूँ कामयाबी वो है आखिरत ठीक कर जाते मेरी, मैं ये कहता हूँ मैं तो खुदा की कसम अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, हकूकुल बात कई गलत बातें ऐसी कि अल्लाह मुझे उससे बचाना कुछ होगी तो मुझे बताएं मैं उसको दूर करूं ताकि मेरी आँख पर तो ठीक हो जाए, बस आँख पर ठीक करनी चाहिए। ये क्या है देखिए ना, मैं बात करता हूँ महल बना रहे हैं तो वही कर रहे हैं, जब आदमी मर जाता है क्या होता है, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इन्होंने मरमट नहीं करा ली, मुजाकत कहता हूँ महल बना रहे हैं वहाँ आगे के लिए कम, देखे ना औलाद है मेरी, अगर मैं मार्जा करूँगा औलाद के लिए
मिसाल के तौर पर महल बनाऊँगा, पैसा बनाऊँगा, और कल वो खुशी कब्र में दुआ के लिए भी नहीं जाएंगे। आराम पैसा ये जो कर रहे हैं, काश ये सोचे थोड़ा सा। हमारे मुल्क में थोड़ी गुरबत है। देखिए कहते हैं ना इमरान खान, इमरान खान, मैं यकीन करो मैं कई बातें कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो ठीक कर रहा है ना, कई बातें कहते, मैं कहता हूँ ठीक कर रहा है। जो कुछ भी है वो कहते ना चढ़ गया जिद्दी आदमी, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ये महल बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, अपनी आँख पर ठीक करें। मैं तो ये सबको कहता हूँ, सियासदानों को कहता हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए, जो कर लिया जो अब स्टार्ट हुए ना उनको पकड़े, जो भी स्टार्ट हुए हैं जिन्होंने कर लिया, खुदा से माफ़ी मांगे, लोगों से माफ़ी मांगे, तो उनको छोड़ दें बस। सर लोग सियासत में आके कमाते हैं, आपने कितना ही कमाया है? इतना कोई कमाया है कि अपना सब कुछ गलत कर दिया। मैं ये कहता हूँ, मैं दरमियाने तबके, आपको पता है कि दरमियाने तबके आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी मैं कभी कहता हूँ फेस पे मैंने चलाया, वो सामने मैंने कहा सुन लो लोगो, मेरा 3 लाख रुपये महीना खर्चा है, 4 लाख अब तक। आप कहते हैं वो किधर से आता है, मैं अल्फन कहता हूँ ऊपर से आता है, हमारे पास तो नहीं आता ऊपर से। मैं बताता हूँ ना कैसे आता? सुनो ना कैसे, वो पूछो कैसे। मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा ऊपर से आता है, फिर मैंने कहा कैसे, एक आदमी है, मैं जब से बड़े बड़े फनखानों का लोगों ने कब्जे किए थे ज़मीनों के, वो मुझे आके, अब मुझे पारसियों ने जो गैर मज़हब है उन्होंने पावटानी मुझे दी, पूरी मरी की जो माल रोड है ना जी जी, उसकी पूरा मेरा स्टे है, ऊपर जितना भी है ऑटो सब मेरा स्टे है। मैं जो भी बैंक चौक में वो भी मैं जीत गया सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने 10 रुपये नहीं मुझसे लिए, 10 रुपये नहीं मुझसे लिए। मैं कभी भी कहता हूँ मैं केस 13 सालों की लड़ रहा हूँ और अल्लाह खैर करेगा। मैं कभी कहता हूँ जब ख़त्म हो जाते हैं मैं ऊपर देखता हूँ, ऊपर नीचे अल्लाह ताला इसलिए देता कि मस्त ना हो जाऊँ। मैं बात करूँ जब ख़त्म हो जाती हैं फिर मैं ऊपर देखता हूँ, अल्लाह जी ख़त्म हो गए हैं, देखो ना पार्टानी मुझे 13 साल इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दफ्तर है मेरा सदर, अपनी प्रॉपर्टी का अपना खरीदा हुआ है, बैठा हूँ वहाँ पर दाल सक निकल रहा है, मुझे इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरी आँख पर ठीक कर दे बस, बस क्या है बस। हमारे साथ मौजूद थे अवामी लीडर रावलपिंडी की शान राजा जैनाद खान साहब, इसी तरह की एक बड़ी शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर हो